सब ठीक है ना अब रोना नहीं आओ चलो बैठो। सकुताई तू ऐसे मुंह लटका क्यों खड़ी है? अरे वो बेली है ना, तू जानती है उसको। मुझे कुछ नहीं हुआ। वो नहीं बोल रही, उसकी दारू बोल रही है। वो सुबह होश में आएगी ना, वो बरोबर फिर मेरी हो जाएगी। नहीं ऐसे आँख में पानी आ गया। चला खाना खा लो बाबा। नहीं, माई की सुबह आज से पहले शराब पीकर कभी नहीं फिसली। कभी भी माई ने सकुताई को बुरा भरा नहीं कहा। और रौनक के सामने ये सब तमाशा, कुछ तो गलत है। लेकिन क्या? आखिर क्यों वो एक ही सपना बार बार मेरा पीछा कर रहा है? क्या मतलब है उसका? माई! यार, अपना औकात नहीं बोलने का। क्या थनक? माई का आज का बदला हुआ बर्ताव, ये सपना, मेरा दिल घबरा रहा है। कुछ करना होगा, इस सपने की तह तक पहुंचना होगा। इसका मतलब खोजकर इस अनहोनी को रोकना होगा।
लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच गई। सपने हकीकत कम और वहम ज्यादा होते हैं, उन्हें भूल जाना ही सही होता है। अच्छा लगा तुम्हें सही सलामत देखकर, राहत मिल गई। लेकिन पता नहीं क्यों आज तुम्हें अकेले छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। पापा, सुबह सुबह सरप्राइज। धनक और रौनक मेरे कमरे में। सच बोल रहा है किसी ने, तेरे घर में देर है अंधेर नहीं है। आखिर मेरा प्यार इसको इधर तक खींच के लेके आया। मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पापा। मामा, तो पापा का कमरा है ना? मैं यहाँ कैसे आ गया? जादू। रियली? कोई जादू वादू नहीं है रौनक। वो हमारे कमरे का एसी खराब हो गया था ना, गर्मी लग रही थी बहुत, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। अच्छा भाई, मुझे तो गर्मी कम होती हुई नजर आ रही है। शपथ। गुड मॉर्निंग माई। तू ठीक है ना अब? हाँ हाँ ठीक है अभी, बस सर थोड़ा भारी है। अरे इतनी क्या कॉफी तूने? वैसे भी तेरी पीने की आदत छूट गई है तो। गलती हो गई ना रे बाबा, इसीलिए तो माफी मांगने के लिए आई है। क्या है, अनजाने में अगर मैंने किसी का इंसल्ट किया हो तो माफ कर देना। रौनक, मैडम अपनी दादी को माफ करेगा ना? देख दादी ने अपना कान भी पकड़ लिया, उठक बैठक करने के लिए भी तैयार है दादी। अपने लाडले रौनक पर चिल्लाने के लिए तू जो सजा देगा मेरे को मंजूर है। माफ कर दिया ना दादी को? माफ किया कि नहीं किया ना? देख कल जो गलती हुआ ना, अब ये गलती दोबारा कभी नहीं होगा। हाँ ये देख, तेरे लिए अपने हाथों से सैंडविच बना के लेके आई है, ये खा और अपनी माई को माफ कर दे।